घासी दयाल सुजयंती कार्यक्रम में शिरकत किया। मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अंबिकापुर में वॉकथॉन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मुख्य अतिथि रहे। उपस्थित बीजापुर में छत्तीसगढ़। बीजापुर में गौरव दिवस का आयोजन किया गया। सरकार के विकास कार्यों की दी गई जानकारी। छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत। बड़ी संख्या में महिलाओं को किया गया जागरूक। सक्ती में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का आज चौथा दिन। महाविद्यालय हसौल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल गुरु घासी दास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल लालपुर और अमर टापू धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जिला प्रशासन समेत कई आलाधिकारियों ने सीएम के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लिया और सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। खबर बीजापुर से है, जहां सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाया जा रहा है। वहीं गौरव दिवस पर विधायक विक्रम मंडवाड़ी निमेड लैम्स पहुंचे और सरकार के 4 साल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। बता दें, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम में तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। खबर बलरामपुर जिले से है, जहां जिले के राजपुर से प्रतापपुर मार्ग बहुत ही जर्जर हो गई है। आपको बता दें कि इन रास्तों पर सिर्फ गिट्टी ही गिट्टी दिखाई पड़ रही है। वहीं शासन प्रशासन इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं है। बताते चले कि यह 2 विधानसभाओं को जोड़ती है, एक विधानसभा सामरी और दूसरा प्रतापपुर विधानसभा को। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के साथ दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर मनोज बंजारे, सहायक कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर जीनत पैकरा, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर पीताम्बर राय, वरिष्ठ शिविरार्थी दीपक मधुकर, रितेश साहू, श्रावण लहरे, शिवचरण ज्वाला, दल नायक संदीप आजाद, दल नायक दर्शनी रात्रे की देखरेख में स्वयंसेवकों की गीत और प्रार्थना से सुबह की शुरुआत की गई और प्रभात फेरी कर गाँव में जन जागरूकता योगाभास विद्यालय परिसर गांव के चौक की साफ सफाई की। बौद्धिक सत्र में विधिक साक्षरता के बारे में प्रोफेसर टीएस मंत्री जैन शिवरात्रियों को विस्तार पूर्वक वृद्धि के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर जीनत पैकरा और शोभा रात्रे ने महिला सशक्तिकरण सिविल परीक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में शिविरार्थियों को विशेष जानकारी दी। बौद्धिक सत्र में महाविद्यालय के प्रोफेसर मनीष मणिकपुरी, प्रोफेसर दिलेश्वर सिदार, शत्रुघ्न धीवर, प्रोफेसर रवि निराला, वरिष्ठ शिविरार्थी व पूर्व छात्रा व स्वास्थ्य विभाग हसौ से डॉक्टर मीना आजाद आदि गणमान्य उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक दरी के नेतृत्व में अवैध गतिविधियों को डीजल कबाड़ कोयला चोरी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए गेवरा खदान से डीजल चोरी कर भिलाई बाजार से रलिया के रास्ते होते हुए जा रही एक बोलेरो वाहन को पकड़ा। पुलिस ने ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 350 लीटर डीजल नकदी वाहन को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कार्यवाही में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा, चौकी प्रभारी हरदी बाजार समेत कई अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे।
खबर महेशपुर से है, जहां कई किसान बड़े ही मेहनत और लगन के साथ धान की फसल लगाए, लेकिन जब फसल तैयार हुआ तो किसानों के होश उड़ गए। किसानों ने बताया कि जयकोंड कंपनी का धान विजय किसानों ने एजेंट माध्यम से खरीदा और यह बोला गया कि अच्छी गुणवत्ता युक्त धान होगा, लेकिन अब किसान अपनी खराब फसल को देखकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीण धान बीज कंपनी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और उनके खिलाफ शिकायत के साथ साथ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल अब ये देखना होगा कि धान बीज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी या किसान न्याय के लिए दर दर भटकते रहेंगे। मैं 4 पैकेट लगाया था, करीब करीब 13 कट्टी धान निकला इसमें। अब इसको मैं बेचूंगा कि खाऊंगा कि बाल बच्चे पालूंगा इसमें मैं। कौन सा धान लगा रहा? ये जयकोंडा। अब क्या आप बोला था? अब घर में गाली दिया थे, कैसा धान लाए रहे, हर साल तो बढ़िया धान लाते हैं, ऐसे ऐसे करके घर में गाली दिया थे हमला। ये ग्राम महेशपुर लटोरी का एक मामला है, जयकोंड सीड्स कंपनी के द्वारा किसानों को धान के बीज सप्लाई किया गया था और भरोसा दिलाया गया था कि इस बीज को किसान खेती करेंगे तो उनको अच्छी फसल मिलेगी। इस बीज को खेती करने के बाद किसानों का फसल चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, किसान सड़कों पे आ गए हैं, किसानों के ऊपर कंपनी का कर्जा भी है जिसको ये लेकर दबाव में हैं, दे नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किसानों को धमकी दिया जा रहा है, उठा लेने की धमकी दी जा रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां मंगला चौक से नेहरू चौक की तरफ जा रही सिटी बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के शव को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। खबर कोरबा से है, जहां रविशंकर शुक्ल नगर के निवासी इन दिनों बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। बता दें, नल से आने वाला पानी गंदा आ रहा है, जिसकी शिकायत लोगों ने लगातार नगर निगम प्रशासन से किया, मगर वार्ड पार्षद और निगम द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। कंप्लेन किए थे, फिर एक हफ्ता तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर एक हफ्ता बाद फिर जाके फिर एक पेज लिख के आए, तब फिर पार्षद के पास गए, सबको सैंपल दिए, तब जाके थोड़े सुनवाई हुआ है। लेकिन आया के ना लेबर लोग आ रहे हैं, कोई अधिकारी आ नहीं रहा है, खोद खोद के जा रहे हैं, नहीं पूरा चेंबर का पानी है, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेबर में भी चेक कराना चाहे तो कर सकते हैं, 100% चेंबर का पानी है, इधर पीने के लिए मजबूर है हम लोग उसी पानी को। पानी तो वैसे बहुत गंदा है, बाल्टी पे है, जब से जल आवर्धन योजना का जो हुआ है पाइपलाइन, तो निगम के किसी अधिकारी को मालूम नहीं कहां पर कौन सी पाइप है। पहला पुराना पाइपलाइन सही था, लेकिन जब से जल आवरण योजना में इनको कुछ नहीं मालूम है, नाली से लिए हैं, कहां से लिए है और कोई पता नहीं। तो अभी तो पानी आ रहा है, ये कैसा पानी आ रहा है, कैसा कलर? बहुत गंदा है, वो कलर में है, बाल्टी में पानी है, बदबू भी आ रहा है और मटमैला है, वो या तो सीवरेज से जुड़ गया या किसी, पानी खराब आ रहा है और बदबू भी दे रहा था बीच बीच में पानी, कैसा आ रहा है, किस तरह? ऐसे साफ नहीं है, मटमैला टाइप का है और उसमें से स्मेल आ रहा है। कैसा करते हैं पानी पीने? फिल्टर करके पी रहे हैं उसी को। क्या लगता है पानी को पीने से आदमी के बीमार पड़ेगा? सब बीमार पड़ेंगे, है ना? कोई आते हैं अधिकारी? सरगुजा पुलिस ने वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया, महिलाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पुलिस के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और महिलाओं को संबोधित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान आईजी एसपी खाद्य मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधियों ने हाय रे सरगुजा गीत पर जमकर थिरके। खबर कोरबा से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुखिया की योजना गौठान की निगम आयुक्त और कलेक्टर पलीता लगा रहे हैं। गौ सेवा के प्रांत अध्यक्ष उमेश जी का कहना है कि गाय को खिलाने पालने गौठाने में रखने की जगह गौ तस्करों के हवाले कर दिया जा रहा है। हालांकि इस बयान के लिए उनके द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया, वहीं इसको लेकर वे अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठे हैं और उनका ये भी कहना है कि जब तक कार्यवाही नहीं होगी वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। और पहले गौठान बनाते हैं, पहले व्यवस्था नहीं करते, जब लगता है इनका पुल पट्टी खुलने वाला है कि लोग खाना नहीं खिला पा रहे, वहाँ गौवंश मर रहा है,
ये ले जाके तस्करों के लिए बाहर छोड़ दे रहे हैं और वहाँ तस्कर गौवंश को तस्करी कर रहे हैं। उसमें जो कोरबा नगर एवं कविस्तर उसका उनकी भूमिका है, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं गौहत्या, क्योंकि उन जबरदस्ती उठा रहे हैं, क्योंकि इनका अभियान चला अधिकारियों ने, काले अंग्रेज अधिकारियों ने अभियान चलाया मवेशी मुक्त शहर, जिनको मुक्त करना मुक्त कैसे करेंगे, तस्कर को देंगे या तो हत्या करेंगे। हत्या हुई दिखने लगी, वीडियोग्राफी आ गई, इनने क्या कि पूरे गौवंश को तस्कर दे दिए। ये उठा रहे गौवंश जा रहे कहाँ, ये बोलते हमने वहाँ छोड़ दी, वहाँ छोड़े नहीं, कि गौवंश अगर जहाँ छोड़ते हैं वहाँ से वापस बराबर आते नहीं आ रहे, ये तस्करों को दे रहे, ये तस्करी कर रहे हैं। और किसी भी प्राणी को उसके क्राइटेरिया सब अलग नहीं कर सकते, ये कानून बोलता है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानून की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई। बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के सूत्र वाक्य के साथ यह रथ 28 जुलाई को रवाना किया गया था। यह रथ सभी जिलों के गाँव गाँव तक भ्रमण कर लोगों को शॉर्ट फिल्मों, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधान और उनके संवैधानिक अधिकारी के बारे में अवगत कराती है। उसके लिए सब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई हो और उसके साथ हमारे 28/7 को हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा महतारी न्याय रथ निकाला गया था, जो पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह जा रहा है और इससे निश्चित मानिए हमारी बहु बेटियों को बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए तो आज हमारे पास कोर्ट में से ज़्यादा केसेस हमारे महिला आयोग में महिला से संबंधित आ रहा है, क्योंकि निश्चित मानिए प्रक्रिया सरल है, एक या दो नोटिस देते हैं, तीसरे नोटिस में वो स्वयं आते हैं या तो उसको पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है, तो वहाँ इसलिए तत्काल निर्णय दे रहा। हमारे महाविद्यालय में महतारी रथ का आगमन हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 28/7 को लॉन्च किया गया था। इसमें वो समस्त जानकारियां हैं जो छात्राओं के लिए और आम जनमानस के लिए जागरूकता को फैलाना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के कार्यक्रम शासन के द्वारा आयोजित की गई है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेशवासियों के लिए बहुत अच्छा संदेश। खबर सरगुजा से है, जहां खनिज विभाग के द्वारा सरगुजा कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार के निर्देश पर 50 टन से अधिक कोयला को जब्त किया गया। आपको बता दें कि लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से एक गड्ढे खोदकर कोयला का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था, जहां सूचना के बाद सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश पर खनिज व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 50 टन से अधिक खोदे गए कोयले और अवैध गड्ढे को जेसीबी मशीन के द्वारा मिट्टी डालकर पाट दिया गया। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से खनिज विभाग संयुक्त रूप से अवैध उत्खनन कोयले की शिकायत मिलने पर यहाँ कोयले का जब्ती तथा जो गड्ढा हुआ है उसको भर दिया जा रहा है, तथा कोयले को नष्ट कर दिया जा रहा है। सर ये शिकायत अभी एक दो दिन पहले मुझे प्राप्त हुआ था। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।